क्या आप भी नेक पेन से परेशान हैं? गर्दन का दर्द बहुत ही कॉमन है। पूरा दिन लैपटॉप पे काम करना, पूरा दिन ऑफिस में काम करना, गलत तरीके से सो जाना, गलत करवट पे सो जाना, तो गर्दन में दर्द हो ही जाता है। तो आज मैं लाई हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपको तुरंत आराम दिलाएंगी आपके गर्दन के दर्द में। मैं हूँ नैना, स्वागत है आपका रूह योग में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हम पिलो ज्यादा ऊंचा ना लगाएं, चाहे सर्वाइकल का पेन हो, चाहे नॉर्मल पेन हो। या फिर आपने देखा होगा कि आप सुबह उठते हैं एकदम से आपके गर्दन में नस आ जाती है, और जिसको झटका आना भी बोलते हैं, नस आना बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जगह पे उसको अलग तरीके के नाम से बुलाया जाता है, जिसमें आपकी गर्दन हल्का सा भी मूव नहीं होती है। तो पिलो आप बिल्कुल पतला लगाएं, ज्यादा मोटा पिलो ना लगाएं, और एक करवट ज्यादा देर तक ना सोएं। कई बार हमें होता है कि हम एक करवट ज्यादा देर तक सो जाते हैं तब भी हमारे नेक में पेन हो जाता है, या फिर पूरा दिन लैपटॉप के सामने, आज का जो हमारा रूटीन है, पूरा दिन मोबाइल में या लैपटॉप में लगे रहते हैं, या पूरा दिन ऑफिस में हमें बैठ के काम करना पड़ता है जिसमें हमारी नेक इस तरीके से झुका रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नेक पेन की वजह है वो आपका गलत पिलो भी हो सकता है। जो आप तकिया लगाते हैं वो अगर आप ज्यादा ऊंचा लगाते हैं तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और हो सकता है कि जो आपका नेक का, जो आपकी गर्दन का दर्द है, उसका कारण भी आपका तकिया हो। तो सबसे पहले आप एक सही तकिए का चुनाव करिए, और हो पाए तो तकिया लगाना बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और अगर आपको आदत है तो बहुत ही पतला तकिया लगाएं, जिससे जो आपकी गर्दन है वो ज्यादा ऊपर की तरफ ना रहे, क्योंकि पूरा दिन आप, हमारी जो आदत हो गई है, पूरा दिन हम मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर ऑफिस के काम से लैपटॉप पे लगे रहते हैं, हमारी गर्दन पूरा दिन इस तरीके से रहती है, और रात में हम सोते हैं तो गर्दन में अपना तकिया इतना ऊंचा लगा लेते हैं, तो दर्द होना बहुत ही नॉर्मल है। इसीलिए आपने देखा होगा सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, और अगर बात करें तो 10 में से 2 या 3 लोगों को सर्वाइकल होता ही होता है, इतने बड़े आंकड़े। इसका कारण बस यही है कि हम गलत तरीके से सोते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है पूरा दिन। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं अगर जिनको हम करते हैं तो हमारा जो गर्दन का दर्द है उसमें आराम आ सकता है। तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि बहुत जरूरी है रेगुलर करना, क्योंकि पूरा दिन हमारी जो नेक है वो बहुत सारा प्रेशर झेलती है, और बॉडी में जो आपकी पूरी थकान होती है सबसे ज्यादा आपके शोल्डर पे और आपके नेक पे फील होती है। अगर आपके शोल्डर और आपका नेक रिलैक्स हो जाए तो आपकी आधी से ज्यादा थकान तो ऐसे ही उतर जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसको रेगुलर करने से आपके जो स्ट्रेस है और आपका जो जितनी भी थकान है, आपका पूरा जो दर्द है, वो बहुत ही जल्दी कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। और अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपको कभी भी गर्दन का दर्द, नेक पेन नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जिस भी आसन में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं बैठ जाएं, और बिल्कुल आपकी जो स्पाइन है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सबसे पहले नेक को इस तरीके से लेफ्ट राइट इस तरीके से मूव करेंगे, और जब जैसे हमने लेफ्ट किया हुआ है तो हमारा जो राइट शोल्डर है उसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, जिससे यहां पे आपको पूरा प्रेशर फील हो। सेम ऐसे ही इस साइड शोल्डर थोड़ा सा नीचे, जिससे आपको अपनी नेक पे पूरा प्रेशर फील हो। इस तरीके से 10 times, 5 times राइट साइड और 5 times लेफ्ट साइड कर ले। सेम ऐसे ही पीछे ब्रीथ इन करते हुए ब्रीथ आउट करते हुए आगे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये जो आप स्ट्रेच फील करेंगे आपको इतना आराम आने वाला है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, जो आपके गर्दन का दर्द था वो बिल्कुल हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जो आपकी नेक है उसको हम पूरा रोटेट करेंगे 5 times क्लॉकवाइज, 5 times एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उनको मैं अलग तरीके से नेक को बताऊंगी, वो आगे की तरफ अपने नेक को ड्रॉप ना करें। पहले मैं बताती हूं हमें नॉर्मल जैसे करना है। इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आपको
सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको अपने नेक को आगे ड्रॉप नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से अपने नेक को रोटेट करना है। बस शोल्डर तक लाएं और यहीं से वापस सेम यहीं से वापस। एक चीज का खास ध्यान रखें, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिसमें आगे झुकना हो या आपकी जो गर्दन है, आपके जो नेक है, उसको आगे इस तरीके से ड्रॉप करना हो। इससे जो आपका दर्द है वो बढ़ सकता है। ये बस 2 मिनट की एक्सरसाइज आपको इतना आराम देने वाली है और आपका जो जितना भी स्ट्रेस है शोल्डर का वो बिल्कुल खत्म कर देगी। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमें बेड पे लेटना है। बेड पे लेट के अपनी गर्दन इस तरीके से बेड से नीचे बिल्कुल ड्रॉप कर देनी है। हमारा जो शोल्डर तक का पार्ट है वो बेड पे रहेगा और जो हमारी नेक है वो बेड से नीचे इस तरीके से रहेगी। आप यहाँ पे 1 मिनट तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस आए। स्टार्टिंग में 1 मिनट करें और धीरे धीरे आप यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट तक रुक सकते हैं। स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम ना अपनी नेक को ड्रॉप करके रखें, इससे आपका दर्द बढ़ भी सकता है। तो सबसे पहले जब आप करेंगे 2 से 3 दिन तक बस 1 मिनट तक ही होल्ड करें। इसके बाद अपने शोल्डर को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज जरूर कर लें, क्योंकि हमारे जो नेक की और शोल्डर की जो नसें होती हैं वो जॉइंट होती हैं और अगर आपके नेक में रिलैक्स आएगा आपके शोल्डर में भी आएगा और आपके शोल्डर में आएगा तो आपके नेक में भी आएगा। तो इस तरीके से पूरा फील करते हुए ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी 10 टाइम्स। याद रहे सारे जितनी भी आपने एक्सरसाइज करी है जो आपकी बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। और अब एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आप इसको रेगुलर करते हैं, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, आप ऑफिस की चेयर पे बेड पे बैठे हुए या अपने काउच पे बैठे हुए कहीं पे भी कर सकते हैं। इसको रेगुलर करने से जो आपका नेक का दर्द है, जो आपकी गर्दन का दर्द है, वो हमेशा के लिए चला जाएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहे और आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नमस्ते।